कर्नाटक में चल रहे विवाद पर अब लालू प्रसाद यादव का बयान आया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले प्रियंका गांधी, अशरुद्दीन ओवैसी समेत कई राजनेता इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अलग अलग प्रदेश के राजनेता इस मसले पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक लिबास हिजाब पर रोक के आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है। विवाद कर्नाटक और वहां के स्कूल कॉलेजों से होते हुए देश के बाकी हिस्सों में पहुंच गया है। इस पर अब विभिन्न पार्टियों के राजनेता भी आमने सामने हैं। दिल्ली मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी, अशरुद्दीन ओवैसी, मोहसिन रजा, केशव मौर्य, वीके सिंह आदि नेताओं का इस पर बयान भी आया है। हिजाब को लेकर प्रियंका गांधी मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में आई है। ओवैसी ने कहा है कि इस मुद्दे से नफरत फैलाई जा रही है। वहीं बीजेपी ने कानून और ड्रेस कोड का हवाला देकर हिजाब को गलत बताया। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक का एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपने खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है कि महिलाएं चाहे बिकनी पहने, घूंघटे करें या हिजाब पहने, यह पूरी तरह से उनकी मर्जी है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल दिल मुस्लिम AIIM के चीफ अशरुद्दीन ओवैसी ने भी हिजाब मसले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि किसी को ये नहीं कह सकते कि क्या खाना है और क्या पहनना है। उन्होंने केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जजमेंट की बात करते हुए कहा कि एक लड़की कई सालों से हिजाब पहन रही है, अचानक आपको इस पर रोक लगाने का ख्याल कैसे आ गया, अचानक नोटिफिकेशन कैसे जारी हो गया। मलाला यूसुफजई ने भी हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस विवाद पर कहा कि मुसलमानों के लिए नफरत भारत में बहुत सामान्य बात हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।